इन पेशेंट्स को ऑब्वियसली बहुत ही इमोशनल टर्मॉइल होता है, मींस मेंटली वो बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं. तो उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, उनको सही डॉक्टर और सही सेंटर पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़, अगर वो सही जगह पर हैं और फिर भी उनकी फेलियर्स हो रही है, तो जो डॉक्टर होते हैं उनको लाइन ऑफ एक्शन चेंज करना होता है. मींस अगर आप अपने एग और अपने स्पर्म से जा रहे हैं इतने दिन तक, तो एक डोनर के लिए आपको विलिंग होना हो जाना चाहिए. जो पेशेंट्स होते हैं उनको एक डोनर लगाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए. अगर आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि आपके एम्ब्रियोज उतने अच्छे नहीं बन रहे हैं और वो ट्राई करना चाहते हैं कि एक का डोनर एग या डोनर स्पर्म यूज़ करें, बिकॉज अगर एक भी गैमेट डोनर के होते हैं तो सक्सेस रेट ऑब्वियसली बढ़ जाता है. तीसरी चीज़ ये है कि यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मीन्स उसका इम्प्लांटेशन विंडो जो होता है वो हमें हंट करना ज़रूरी होता है. कभी कभी पेशेंट का इम्प्लांटेशन तो हो जाता है पर आगे चल के उसके मिस्ड अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिस कैरेज हो जाते हैं. उस केस में हम इम्प्लांटेशन उसी टाइम में करते हैं जिस टाइम में पहले आईवीएफ किए थे. पर अगर इम्प्लांटेशन विंडो नहीं खोज रखा है, देन जो डॉक्टर होती है उनको इम्प्लांटेशन विंडो ढूंढना पड़ता है. एंड वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बिकॉज इम्प्लांटेशन विंडो जानना ज़रूरी होता है किस विंडो में उनके यूट्रस की सबसे अच्छी कैपेसिटी है कैच करने की. फोर्थली, उनके फीमेल के ब्लड में कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं जिनकी वजह से भी ये आईवीएफ सक्सेस नहीं होता है. उन केसेस में कुछ कॉजेज जो ऐसे होते हैं, आपला सिंड्रोम्स होते हैं, MTHFR पॉजिटिव होते हैं, उन केस में हम उनको मेडिकली ट्रीट कर सकते हैं बाय इंजेक्शंस एंड ऑल, एंड सब्सिक्वेंटली फिर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अगर पेशेंट के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोस पड़े हुए हैं सेंटर पे, उस केस में हम उनको फ्रोजन छोड़ देते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड द कॉज फर्स्ट कि क्या है, क्योंकि एम्ब्रियोस हम पूरा यूज़ कर जाएँ उसके बाद वी स्टार्ट हंटिंग द कॉज इज़ नॉट डन. चौथी चीज़ ये है, वी कैन गो फॉर सिक्वेंशियल एम्ब्रो ट्रांसफर, मीन्स एम्ब्रियोज बहुत अच्छे क्वालिटी के बने हैं, यूट्रस का इम्प्लांटेशन विंडो भी पता है आपको एंड फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है. उन केसेस में हम सिक्वेंशियल एम्ब्रो ट्रांसफर करते हैं, मीन्स दो बार एम्ब्रो ट्रांसफर करते हैं सेम साइकिल में. फोर्थ, वी कैन गो फॉर फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफर. फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफर में भी रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेश एम्ब्रो ट्रांसफर, ऐसी कुछ स्टडीज़ बताती हैं. तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट जिनके रिकरेंट फेलियर्स होते हैं उनके हम फ्रोजन एम्ब्रो ट्रांसफर भी करते हैं. एंड अगर फिर कुछ भी नहीं वर्क करता है तो पेशेंट को ऑब्वियसली हम बोलते हैं कि तुम सरोगेसी एक बार ट्राई कर सकते हो, और वी हैव एन ऑप्शन फॉर डोनर एम्ब्रियो, एंड लास्ट ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर अडॉप्शन इफ़ यू कांट डू एनीथिंग.